हमें क्या मतलब, अब साधारण मैया को ये सब क्या मालूम बिचारी को, क्या सतोगुण, क्या रजोगुण, क्या तमोगुण, और होना भी नहीं चाहिए, इतने झंझट में क्यों पढ़ना। शब्द बड़े बड़े शास्त्रों में, शब्द बहुत बड़े, उस समझना बहुत मुश्किल है। अरे बड़े बड़े ब्राह्मण और विप्र वेदज्ञ वेद की भाषा को नहीं समझ पाते, लिखा कुछ और होता है, बताते कुछ और है। हम लोगों ने भी शास्त्रों का कम दुरुपयोग नहीं किया। हमें जहां दक्षिणा लेने का इच्छा होता है ना, तो हम खोज लेते हैं कि इसमें दक्षिणा वाला कहां है, हम किसी न किसी शास्त्र से ढूंढ लेते हैं कि भैया दुनिया में ये करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन सदा याद रखना, इस संसार में व्यक्ति अगर दुखी है तो अज्ञानता के कारण, न रुपए, न संपत्ति, न संतति, न रोग, किसी के कारण दुखी नहीं है व्यक्ति। क्योंकि अगर किसी वस्तु के कारण दुखी होता तो इस दुनिया में तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो तुम्हारे लिए सपना है, उनके पास सारी चीजें ऐसे ही उपलब्ध हैं। क्या उसके बाद भी उनके जीवन में समस्त सुख है? क्या वो शांत है? क्या वो आनंदित है? जब हर जगह मैं वो बात कहता हूं, अंबानी जी के मम्मी की बात, कोकिला बेन जी की बात, अब नाम लेने के लिए देखो, फिर मैंने कल बोला था नहीं लूंगा, फिर ले लिया महाराज। तो मन में एक ही दुख था, जाके गुरुदेव के सामने कहती थी, हे गुरुजी, सब कुछ है मेरे पास, मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी की मां, अब उससे ऊपर थोड़े ही बढ़ोगे, कितना भी दुकान खोल लो, बहुत मुश्किल है। कहते हैं गुरुदेव सब है मेरे पास, पर चैन नहीं है, शांति नहीं। बोला क्यों मैया, तुझे क्या हुआ? बोला दो ही बेटे हैं, बहुएं हैं, दोनों में बनती नहीं, ऐसी कृपा कर दो कि धन कुछ कम हो जाए लेकिन परिवार एक साथ हिल मिल के रह सके। मेरा चित्त बड़ा अशांत होता है, बहुत पीड़ा होती है। उस दिन उन संत ने कहा कि मुझे पूर्ण भरोसा हो गया, मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था, उन संत ने कहा कि केवल भौतिक विकास से जीवन में आनंद, शांति और प्रेम नहीं आ सकता, नहीं तो रावण और कंस सबसे ज्यादा शांत रहते, इन ससुरों से ज्यादा अशांत आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहा। कितना मैं बात कहता हूं रावण के लिए, जिसके कमोड सोने के, जिसके रोड सोने के, तुम्हारे पास कितना सोना होगा? पत्नी को दे के रखे होगे, आजकल तो लॉकर से भी निकाल लिए, 8 नवंबर के बाद तो ऐसा हल्ला हुआ कि अब लॉकर खोजा जाएगा। वो महाराज सबरी ने निकाल ली अपने धड़ाधड़, बोला घर ही में रहेगा, भले ही चोर चुरा के ले जाए, लेकिन लॉकर खाली हो गए रातों रात। वो हमें भी महाराज किसी ने एक बार 22 ग्राम, एक बार 24 ग्राम, एक बार 26 ग्राम, चांपा का एक सतेंद्र है, उनके बच्चों ने अपना पॉकेट खर्च जमा कर करके, जो उनको कॉलेज स्कूल जाने के लिए मिलता था, अपने अपने जन्मदिन पे मुझे उतना सोना दिया था उन्होंने, तो 100 ग्राम मेरे पास भी हो गया था। मैं भी किसी के लॉकर में रखवाया था, मैं भी वहां से फोन किया वृंदावन से, भाई हमारे वालों भी निकाल ले भाई, कहीं लेना जाए, 100 ग्राम जिंदगी में मिला वो भी ना चला जाए, बड़ा मुश्किल हो जाए। और फिर मैं मुस्कुराया, हंसा, ये देखो जब गोरखनाथ चले जाते थे अपने गुरुदेव के साथ, तो रात्रि के 12 बज गए, तो गोरखनाथ के गुरुदेव ने कहा कि अब आगे खतरा है।